हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने कैबेज मंचूरियन बनाया है जो सबका फेवरेट होता है। तो चलिए दोस्तों, इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और बनाना शुरू करते हैं। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेट किए हुए कैबेज में से पानी निचोड़ लेंगे और उसे एक बाउल में डाल लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं हमने उसे निचोड़ करके निकाल लिया है और उसमें इतना पानी निकला है, उसे हम हटा लेंगे और इसमें कैरेट डालेंगे। कैरेट डालने के बाद मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे, मैदा डालेंगे और लगभग 3 से 4 चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। और जब तक हम इसे मिक्स करेंगे तब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हमने इसे कढ़ाई में डाल दिया है क्योंकि इसमें नमक डालने के बाद इसमें दोबारा से पानी निकलने लग जाता है, इसलिए हम कढ़ाई में ऑयल गर्म करके रेडी रखेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। आप बॉल्स छोटे या बड़े किसी साइज के बना सकते हैं, पर मीडियम साइज का ठीक रहता है। हमने इसका बॉल तैयार कर लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक एक करके बॉल्स डालेंगे, एक बार में ज्यादा बॉल्स ना डालें। जितना स्पेस होगा उतना ही डालना है इसमें। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा बीच में टर्न कर लेंगे, ज्यादा टर्न नहीं करना है। मंचूरियन बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। इस तरह से निकालेंगे। अब हम इस कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और उसमें गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक को थोड़ा सॉटे होने देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे सॉटे करेंगे लगभग 2 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं करना है। अब हम इसमें ग्रीन कैप्सिकम डालेंगे, येलो कैप्सिकम डाल देंगे, फिर रेड कैप्सिकम डालेंगे और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, और नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले बॉल्स बनाते टाइम भी डाला था और सॉस में भी नमक होता है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब टोमेटो सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे 2 चम्मच, रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम सॉस के साथ भी कुक करेंगे थोड़ी देर। और अब हम इसमें फ्राई किया हुआ कैबेज के बॉल्स डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और फिर इसमें विनेगर डाल देंगे। मिक्स करेंगे और मंचूरियन को हम एक बाउल में निकाल लेंगे।
तो फ्रेंड्स, कैबेज मंचूरियन हमारा बन करके तैयार हो चुका है और आई होप आप सबको ये जरूर पसंद आएगा। इसे आप इसमें टूथपिक लगा सकते हैं इस तरह से और फिर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।